हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टूडे एम डिस्कशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है ये पूरा बेसिक है एकदम पूरा बेसिक से लेते जाएंगे इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आपसे मिल बहुत सारा बन जाएगा ठीक है बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आगे ठीक है तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल में सारा एलिमेंट का हम बताएंगे पीरियोडिक टेबल में ठीक है तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में मेरा फोर टाइप फोर होता है जो एस होता है पी होता है एक डी होता है और एक e एफ होता है ठीक है और इसमें सिर्फ हम खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा के लिखने के लिए बताएंगे या बाकी और बीट और बीटल होता है देखिए एस का मतलब क्या होता है शार्प होता है पी से क्या होता है प्रिंसिपल होता है डी से क्या होता है डिफ्यूज होता है एफ से क्या होता है फंडामेंटल ठीक है सार प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल एस पी डी एफ होता है ठीक है अब इसी के अनुसार से हम देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किस तरह लिखते हैं जैसे देखिए इसको स्टार्टिंग करते हैं पहले एस होता है लिखने का मेथेड ट्रिक हम ट्रिक बता रहे हैं ठीक है थीगा? एस फिर पी एस फिर यहाँ से डी पी एस इसके इस तरह से में चलेगा फिर एफ डी पी एस ठीक है अब यहां से ए जो रो में चलता है सब दो टाइम्स लिखाएगा ठीक है सब टू टू टाइम्स लिखाता है टू टाइम्स ऑल इज टू टाइम्स और यहां से स्टार्टिंग होता है वन से काउंटिंग वन एस से काउंटिंग होता है और इस रो रो में टू से काउंटिंग होता है सब टू इस रो में थ्री से काउंटिंग होता है फोर से होता है मतलब कि एस को वन से स्टार्टिंग करना है पी जहाँ रहेगा स्टार्टिंग जब पी रहेगा तो वहाँ टू से स्टार्टिंग करेंगे डी को थ्री से स्टार्टिंग करेंगे एफ को फोर से स्टार्टिंग करेंगे ठीक है जैसे देखिए लिखते हैं कोई भी एलिमेंट का आप लिख लीजिएगा ठीक है पहले इसको लिखने के पूरा बता देते हैं जैसे एक्स से थ्री एस टू टाइम्स लिखेंगे तो पहले एस फिर एस फिर पी एस है तो टू टाइम्स लिखेंगे यानी पी एस फिर पी एस फिर डी पी एस है तो टू टाइम्स लिखेंगे डी पी एस डी पी एस फिर एफ डी पी, तो पी एस है तो दो टाइम्स लिखाएगा एफ डी पी एस एफ डी पी एस ठीक है अब यस यहाँ देखिए वन है तो वन से स्टार्टिंग करेंगे काउंटिंग तो वन है यहाँ टू है फिर थ्री है फिर फोर है फिर यहाँ से फाइव है फिर सिक्स है फिर यहाँ से सेवन है और एट है ठीक है एस का काउंटिंग हो गया पी का काउंटिंग यहाँ स्टार्टिंग से टू से करेंगे ठीक है तो पी का यहाँ टू फिर थीर थ्री फिर थीर फोर फिर यहाँ से फाइव फिर यहाँ से सिक्स फिर यहाँ से फाइव है फिर यहाँ से सेवन ठीक है और डी को काउंटिंग हम थ्री से स्टार्टिंग करेंगे तो डी कहाँ पर है यहाँ पर तो थ्री और यहाँ से फिर फोर और यहाँ से फिर फाइव और सिक्स और एफ को कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे फोर से तो फोर मेरा यहाँ पर है तो फोर और एक फाइव ठीक है तो इस तरह से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहता है एस पी डी एफ में एस में मेरा दो इलेक्ट्रॉन रहता है पी में सिक्स इलेक्ट्रॉन रहता है डी में टेन इलेक्ट्रॉन रहता है एफ में फोर्टीन इलेक्ट्रॉन रहता है मैक्सिमम ठीक है तो मैसो इलेक्ट्रॉन पहले हम फील्ड करेंगे तो टू टू छ फिर टू 2 और फिर टेन फिर सिक्स टू टेन फिर सिक्स यहाँ फिर टू फिर एफ है तो फोर्टीन फिर टेन फिर सिक्स टू फोर्टीन टेन सिक्स टू इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फील्ड करेंगे अब यहाँ से किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना है देखिए समझिए जैसे हाइड्रोजन रहेगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर कितना होता है इसमें एटॉमिक नंबर से लिखाएगा तो एटॉमिक नंबर कितना रहता है एक नंबर में आता है हाइड्रोजन तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे यहाँ तो दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एस में टू इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है लेकिन हमको हाइड्रोजन है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो वन एस वन लिखेंगे और हीलियम है तो वन एस टू उसी तरह से ब्रेलियम है तो वन यहाँ से, से स्टार्टिंग करना है पहले ऐसे लिखेंगे, पढ़ना एंड यहाँ तक होगा मान लीजिए कैल्शियम का लिखना है तो कैल्शियम के एटोमिक नंबर ट्वेंटी होता है ठीक है अब ट्वेंटी कैल्शियम का एटोमिक नंबर होता है तो यहाँ से देखिए पहले इलेक्ट्रॉन जोड़िए ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन होता है इसमें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जोड़िए तो यहाँ से टू टू फोर और फोर एज सिक्स टेन टेन और टू टूवेल्व और ट्वेल्व और सिक्स एटीन और एटीन टू ट्वेंटी यानी यहाँ तक जाएगा ठीक है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे वन एस टू पहले एस एस बी एस है अगर नहीं यहाँ से रिविजन आता है करने के लिए तो आपको क्या करिए कुछ नहीं तो पहले हम क्या बताएं लिखने के इस तरह मेथेड को पहले टू टू टाइम्स लिखे तो पहले स्टार्टिंग यहाँ से करना ठीक है स्टार्ट यहाँ से होगा तो पहले स्टार्ट टू टाइम्स एस बार लिखेंगे फिर पी एस को टू टाइम्स लिखेंगे पी एस फिर पी को टू टाइम्स लिखेंगे पी अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिर इसमें नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग वन टू थ्री फोर पी को नंबरिंग टू और थ्री अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो टू टू फोर और सिक्स टेन हो गया और टेन और टू टूवेल्व टूवेल्व और सिक्स कितना हो गया एटीन और टू ट्वेंटी देखिए यहाँ तक आ गया फील्ड ठीक है तो इस तरह से निकाल सकते हैं जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं आयरन का ठीक है तो आयरन का यहाँ हो गया ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स हो गया आयरन के एटोमिक नंबर अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे एस एस फिर पी एस फिर पी एस फिर डी डी पी एस पहले एस एस में स्टार्टिंग हुआ टू टाइम्स फिर यहाँ से पी एस पी एस टू टाइम्स ये वाला लिख लिया फिर डी पी एस यहाँ लिख दिए अब यहाँ तक हमको पता है छब्बीस हो जाएगा ठीक है यही काफ़ी हो गया देखिए कौन लि... पहले इलेक्ट्रॉन भर देते हैं फील्ड टू टू फोर और सिक्स दस दस दो बारह बारह छ अठारह अट्ठारह दो बीस और दस तीस और यहाँ से तीस हो गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दस तीस अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन तीस हो गया लेकिन हमको चाहिए कि ना छब्बीस तो इधर वाला हमको इससे भराने कोई मतलब नहीं यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा ठीक है देखिए दस और दस बीस और छब्बीस अब यहाँ से काउंटिंग कर देंगे तो वन टू थ्री फोर और पी को टू से करेंगे टू थ्री और डी को कहाँ से करते हैं थ्री से तो ठीक है इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका लिख सकते हैं नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से एस ब्लॉक के में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे ठीक है तो देखिए एस ब्लॉक में अगर लिखना कहेगा तो एस ब्लॉक में पता है किसी का भी लिखने कहेगा तो आराम से कोई भी एलिमेंट का लिख सकता है ठीक है तो जैसे कि एस ब्लॉक में हम बात करते हैं लास्ट खाली उसका पता बता देते हैं एस ब्लॉक में होता है एन एस वन लास्ट ऑर्बिटल जैसे कि हाइड्रोजन होता है लिथियम होता है सोडियम होता है पोटेशियम होता है सी एस ठीक है तो इसमें से एन एस वन आता है इसका लास्ट ऑर्बिटल जैसे यहाँ से हाइड्रोजन है तो वन एस वन लिथियम है तो इसके लिए वन एस वन आएगा लेकिन यार यन क्या होता है यहाँ पर यन पीरियड बताता है ठीक है कि कौन सा पीरियड में है जैसे कि कोई एग्जाम में आपको उस तरह से पूरा लंबा इसको लिखने के लिए नहीं बोलेगा ऑप्शन में दे देगा दे चार गो जैसे आई टी सब दे देता दे है ठीक है तो चार गो इस तरह लास्ट में दे देगा दे सिर्फ और बाकी नीनट गैस नोबेल गैस को लगा देगा आगे जैसे देखिए लिथियम है तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एटोमिक नंबर कितना होता है थ्री तो लिथियम का एटोमिक नंबर जब थ्री है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं वन एस टू टू एस वन तो थ्री होगी एटोमिक नंबर इसका लिथियम का ठीक है लिथियम का थ्री तो यहाँ से 1s2 2s1 तो 1s2 को क्या हीलियम बोल सकते हैं गैस तो हीलियम को हम इनडेगेस देखिए इस तरह से H N Ar Kr Xc Ar तो ये होता है 2 10 18 36 41 6c होता है ठीक है इसमें सारा फुल फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन सारा इसका फील्ड होता है कोई इसका खाली नहीं होता सब फूल रहा था इसमें ठीक है तो इस तरह से इसको पहले लिख दिया जाता है तो इसीलिए इसे हीलियम लिख देंगे और यहाँ से फिर जो इलेक्ट्रॉन बच गया टू एस वन तो देखिए टी एन के जगह पर टू आ गया टू क्या पीरियड तो ये कौन सा पीरियड में सेकेंड पीरियड ये क्या है फर्स्ट पीरियड ये थर्ड पीरियड ये फोर्थ फाइव सिक्स सेवन पीरियड पूरा पीरियडी टेबल में सेवन पीरियड होता है एंड एटीन ग्रुप होता है ठीक है पता है अब यहाँ से सोडियम में ग्यारह होता है तो सोडियम के ग्यारह के लिए पहले क्या नियोन दे देते दस होता है तो नियोन और फिर यहाँ से क्या जाएगा के से आ जाएगा मेरा थ्री एस वन पर कौन सा आ जाएगा पीरियड नहीं पता है तो इसे भी कर सकते सोडियम है उसी तरह से सोडियम को क्या लिख सकते हैं वन एस टू टू एस वन टू पी सिक्स थ्री एस वन इतना को हम क्या लिख दिए इनड गैस ठीक है और वो इस तरह से इसको क्या आ जाएगा थ्री एस वन उसी तरह से सारा आपको फिर यहाँ से आर आ जाएगा यहाँ से फिर फिर के आर आ जाएगा ठीक है तो के आर आ जाएगा फिर यहाँ से फाइव पेस वन फिर यहाँ से फिर फोर एस वन फाइव पस वन हो जाएगा और फिर यहाँ से एक्ससी आ जाएगा फिर यहाँ से आर एन आ जाएगा इसका उसी तरह से सिक्स एस वन और सेवन एस वन उसी तरह से बढ़ते रहता है ठीक है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एस ब्लॉक का होता है जैसे और दूसरा ग्रुप फर्स्ट ग्रुप का हो गया और सेकेंड ग्रुप का मेरा यह होता है सेकेंड ग्रुप में एन एस टू आ जाता है लास्ट में यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन टू टू हो जाता है ठीक है जैसे ब्रेलियम की बात कर लेते थे तो ब्रेलियम में वन एस टू टू एस टू होता है तो इसको हम क्या लिख दे सकते हैं डायरेक्ट हेलियम लिखते हैं और ये इसको क्या लिख देते हैं टू एस टू क्योंकि ये सेकेंड पीरियड में स्टार्ट होता है फर्स्ट पीरियड में वो हाइड्रोजन और उधर हीलियम स्टार्ट होता है ठीक है और सेकेंड पीरियड में सारे एलिमेंट आ जाते हैं सब तो यहाँ से टू एस टू उसी तरह से बी ई एम जी उसी तरह से बढ़ने लगता है फिर न्योन इसका एम जी आ जाएगा एंड थ्री एस टू उसी तरह से इसका बढ़ने लगता है अब बात करते हैं पी ब्लॉक में कि यहाँ से पी ब्लॉक में क्या होता है कि पी ब्लॉक का डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एस टू एन पी वन टू सिक्स होता है इस समय देखिए हम इसलिए बता दे रहे ना उ, है, वो ट्रिक फर्स्ट ही बता दिए वही काफ़ी है उतना के लिए कोई भी आपको एटॉमिक नंबर पता रहेगा तो आप इजी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं ठीक है अब यहाँ से इसलिए इसको बता रहे कि आई टी में से आपको ऑप्शन देगा कोई भी एग्जाम में तो वहाँ से पूरा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेगा नहीं सिर्फ इनर गैस में घुसा के लास्ट में ये वाला दे देगा कि कौन सा एलिमेंट है पहचानिए तो देखिए पी ब्लॉक है पी ब्लॉक में मेरा स्टार्ट होता है थर्ड ए ग्रुप से ठीक है और यहाँ से फोर्थ है फिर फाइव है फिर यहाँ से सिक्स से और फिर यहाँ से सेवन है और फिर यहाँ से एटीन तो ये रीना डिगैस ही हो गया ठीक है नोबेल गैस तो इसको या तो ग्रुप क्या बोल रहे थे थर्टीन दीजिए या फोर्टीन दीजिए फाइव सिक्स सेवनटीन एटीन तक ठीक है अब यहाँ से देखिए इसमें क्या होता है कि बी ए एल जी ए जो भी हो लिखेंगे नहीं होता पूरा वीडियो लेंदी हो जाएगा तो खाली हम बता दे रहे पीरियड है तो यहाँ से जो भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है बी का और फिर यहाँ से ए एल का बी एल जी ए और फिर यहाँ से आई एन और फिर यहाँ से टी एल ठीक है अब यहाँ से जो भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मेरा आता होता है वह बी का ये कौन सा सेकेंड पीरियड में आता है ठीक है ब्रॉन सेकेंड पीरियड से यहाँ स्टार्ट होता है अब ये सेकेंड पीरियड से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आता है बी का क्या होता है मेरा ब्रॉन यानी कि एटोमी नंबर फाइव है तो इसीलिए एटोमी नंबर जब फाइव है तो फाइव का क्या लिखते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी वन यानी कि हीलियम तो इसको सारा को इतना जो भी आएगा उस सारा को हीलियम लिखेंगे और लास्ट में एन के जगह पर पीरियड कौन सा है सेकेंड पीरियड तो एन के जगह पर टू दे देंगे टू एस टू एंड टू पी वन पी वन के लिए ग्रुप वन में या पी वन आएगा ठीक है इसके लिए पी वन आता है और इसके इस ग्रुप में सारे एलिमेंट के लिए पी टू आएगा और इसके लिए पी थ्री इसके लिए पी फोर इसके लिए पी फाइव और ये तो इन घर से फुल ही रहता है एच ई एन ई ए आर के आर एक्स और एक आर एन नीचे आता है ठीक है आर एन तो यहां से इसके लिए पी सिक्स रहता है ठीक है ये तो पूरा फुल रहता है तो ये सिर्फ इसके लिए P1 आता है इसमें ठीक है और जैसे इस ग्रुप में बात करेंगे तो इस ग्रुप में इनट नियोन आएगा जो कि यहाँ से हो जाएगा फिर कौन सा थर्ड पीरियड हो गया इसके लिए फिर फोर्थ पीरियड फाइव पीरियड सिक्स पीरियड ठीक है तो यहाँ से थर्ड पीरियड के लिए फिर थ्री एस टू और थ्री पी वन थ्री पी वन टू सिक्स इसीलिए इसे लिख देते हैं क्योंकि पी ओ जब इस ग्रुप में एलिमेंट इल्में, रहेगा मान लीजिए हम एलमोनियम के लिखेंगे तो नियो ही, 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 नियोन थ्री एस टू थ्री पी और यहाँ से वन कर देंगे ठीक है लेकिन यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि इस कोरो में चल रहे हैं इसलिए वन टू सिक्स होगा जैसे नहीं समझ में आया होगा जैसे देखिए जैसे अल्मोनियम कम लिखने का है तो एल्मोनियम का तेरा होता है नंबर ठीक है तो तेरा होता है तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू लिखते हैं मान लीजिए ये भी आपको नहीं पता अभी क्या पता है कि एस एस लिखिए फिर पी एस लिखिए फिर पी एस लिखे फिर इसको नंबर इलेक्ट्रॉन फील्ड कीजिए तेरह कहाँ तक जा रहा है दो दो चार छः दस दो बारह और एक यहाँ से तेरह ये तो नहीं होगा इसको डिलीट कर दीजिए फिर काउंट कीजिए वन टू थ्री और फिर टू और थ्री तो देखिए यार सही आ रहा है इसको क्या लिखते हैं इनट गैस लिखते हैं तो ये सी गैस लिखे और फिर यहाँ से क्या गया थ्री एस टू यहाँ तक इनट गैस क्योंकि दस होता है ना और ये थ्री एस टू थ्री पी वन आ रहा है थ्री एस टू थ्री पी वन पी वन क्या बोले है? कि पी वन इस रो कॉलम में लाइक करेगा पी टू का एलिमेंट यहाँ पर रहेगा जो भी तो पी टू के डालेंगे इसीलिए कॉलम में पी थ्री इस कॉलम में पी फोर इस कॉलम में पी फाइव और इस कॉलम में तो इनट गैस पूरा फुल्ड ही रहता है तो पी सिक्स होता है ठीक है समझ गए होंगे तो इस तरह हम इसको ट्रिक बता रहेगा तो रहे तो आप इजली से, कोई भी का भी इजली से लिख सकते हैं तो इसमें कोई सेप्शन नहीं है डी ब्लॉक में उसको देख लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लास्ट में होता है एनएस टू सॉरी एन टू नहीं एन माइनस वन डी वन टू टेन और कोमा एन टू होता है ठीक है एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस टू हो गया अब डी ब्लॉक में देखिए यहाँ से क्या थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है या ग्रुप थ्री से बोलते हैं इसको फिर ग्रुप फोर बोलते हैं फिर ग्रुप फाइव होता है और फिर ग्रुप सिक्स होता है फिर ग्रुप सेवन होता है और ग्रुप एट होता है और ग्रुप नाइन होता है और ग्रुप एक सॉरी नाइन और ग्रुप एक टेन होता है ठीक है और इसमें से देखिए कौन सा स्टार्ट होता है जो क्या वहाँ से शक आलय ठीक है या शक्यालय जिसमें से यहाँ के फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है और एक फाइव पीरियड है और ये सिक्स्थ पीरियड है तो यानी यहाँ क्या बता रहा है पीरियड कौन सा पीरियड में लाइक कर रहा है ठीक है अब यहाँ से इसका देखिए किस तरह लिखते हैं सकेल स्कैंडियम हो गया टिटेनियम वैनेडियम भी वेनेडियू, क्रोमिक सीआर मैंगनीज एफ कोबाल्ट निकल फिर कॉपर और फिर यहाँ से जिंक ठीक है ग्रुप इलेवन एंड ग्रुप ट्वेल्व हो गया अब यहाँ से देखिए इस तरह से जो भी एलिमेंट डी ब्लॉक में रहता है अब इसमें से देखिए आप कोई भी कहेगा आयरन का लिखने लिखन तो कहेगाटोमिक नंबर पता रहेगा तो इजीली से निकाल जाएगा ठीक है लेकिन लास्ट में देखिए किस तरह से आपको निकालना है कि जैसे मान लीजिए स्कैंडियम किसी ये वाई याटोम नंबर सपोज नहीं पता रहता है बहुत को ठीक है तो उस तरह से किस तरह से आपको निकालना है कि कोई भी यहाँ से एटोमिक नंबर को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेंस निकालने के लिए पहले एस्कैंडियम यहाँ लेंगे तो एस्केडियम के एटोमिक नंबर कितने

स्पेस बचा नहीं तो देखिए से से लिख देते हैं इसको यहां से क्या चलता है इसके लिए आर्गन चलता है जैसे देखिए इस ग्रुप के लिए क्या चलता है आर्गन फिर क्रिटोन फिर एक्सी ठीक है इसके लिए आर्गन इसके लिए क्रिप्टोन इस एक्सी तो यहाँ से जेनोन जेनोन चलता है आर्गन क्रिप्टोन जेनोन अभी तीनों के लिए इस स्पेस में चलता है अब यहाँ से तो ये लिख दिए ग्रुप में आर्गन रो में क्रिप्टॉन और रो में जेनोन इस तरह से चलेगा अब यहाँ से तो ये लिख लेंगे लेकिन ये यन क्या बता रहा था कि यन पीरियड है फोर पीरियड है फाइव पीरियड है और ये सिक्स पीरियड है ठीक है तो फोर फाइव सिक्स भी रख देंगे तो आराम से लिखा जाएगा वहाँ लेकिन फिर उसके बाद क्या रहा है कि फोर फाइव सिक्स अब डी का क्या करेंगे डी वन टू टेन बोल रहा था डी तो वन टू टेन बोल रहा है इसका मतलब ये वही

तो आर्गन ले लेंगे यहाँ से और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा आर्गन फोर्थ पीरियड में तो फोर यहाँ रखिए तो फोर माइनस वन थ्री डी और कौन सा रो में जा रहा है कॉलम कॉलम में आ रहा है डी नाइन में तो थ्री डी नाइन और फिर यहाँ फोर था एन के जगह पर पीरियड फोर ही रखे तो फोर एस टू तो देखिए यहाँ से अठारह और ग्यारह कितना हो गया उन्तीस हो गया सही है तो यहाँ से देखिए अठारह उन्नीस उनतीस हो गया तो फिर यहाँ से एक सही है लेकिन ये एक्सेप्शनली है जो ये क्या करता करते इलेक्ट्रॉन इसको फील्ड कर देता है तो यहाँ से इसका क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कौनफी आर्गन फोर एस वन होता है ठीक है ये तो इस तरह से आर्गन हो गया अब यहाँ से उसके बाद आता है मेरा पास एक, एक, एक होता है मेरा क्रोमियम होता है ठीक है जिसका ट्वेंटी फोर होता है टोमिक नंबर अब यहाँ से एटोमी नंबर ट्वेंटी फोर होता है क्रोमियम देखिए कहाँ यहाँ पर है इसका कौन सा आर्गन चलता था आर्गन ले लिए अब यहाँ से आर्गन के बाद कौन सा डी फोर में है थ्री डी फोर ले लेंगे क्योंकि एन के जगह पर कितना है मेरा फोर ही रखाएगा फोर माइनस वन तो अब थ्री बचेगा थ्री डी फोर और फोर एस टू तो देखिए इस तरह होगा लेकिन इसमें फिर क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर्गन थ्री डी फाइव फोर एस वन हो जाएगा ठीक है उसी तरह से यहाँ एक पी डी होता है इसका भी एक्सेप्शनली तीन को एक्सेप्शनली होता है डी ब्लॉक में अब देखिए यहाँ से क्या है मेरा पी डी अब पी डी का यहाँ से निकालेंगे तो पी डी यहाँ कौन सा चल रहा है मेरा क्रिप्टॉन किरेटॉन ले लिए अब यहाँ से थी कौन सा पीरियड है फाइव पीरियड तो फाइव रखिए फाइव पर माइनस वन कितना हो गया फोर डी और डी कौन सा होगा डी एट होगा तो डी एट रख दीजिए और फिर यहाँ से कौन सा फाइव है तो फाइव रखिए तो फाइव एस टू हो जाएगा देखिए इसी तरह से तो ये क्या करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है पूरा फील्ड होने के लिए तो क्रिप्ट हो जाएगा और फोर डी टेन हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा फाइव एस ज़ीरो ये होता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक अब की बात करें ब्लॉक एलिमेंट है टाइम बचाने के लिए लिख दिए पहले एन माइनस टू होता है वन से है, फिर एन वन जीरो टू वन है, और ए एन एस टू होगा ठीक है तो यहाँ से देखिए सी ई है मेरा अब सी के लिए क्या मेरा यहाँ पर चलता है जिनोन चलता है इसके लिए ठीक है जिनोन ठीक है जिनोन आता है यहाँ अब यहाँ से जिनोन के लिए फिर यहाँ से क्या कौन सा पीरियड से स्टार्ट होता है मेरा ये ब्लॉक एलिमेंट है जो लेंथा है है नोइड होता है जो सिक्स पीरियड होता है ठीक है सिक्स पीरियड में सारा एलिमेंट है मतलब इस तरह से रोम में रहता है इसको हम कॉलम में ले लिए लिखने के लिए ठीक है तो सिक्स पीरियड के लिए यहाँ पर सिक्स रखिए तो क्या आ जाएगा मेरा सिक्स माइनस टू फोर बच जाएगा और ये टू आता है और फिर यहाँ से थ्री डी जीरो और सॉरी डी सिक्स रखेंगे तो फाइव आएगा फाइव डी जीरो एंड फाइव सिक्स एस टू आएगा सिक्स एस टू तो उसी तरह से फिर जे चलता है फिर यहाँ से उसी तरह से ई भी जिनोनी आएगा यहाँ से और फिर यहाँ से फोर एफ थ्री आएगा फाइव डी जीरो सिक्स एस टू इसी तरह से ये बढ़ते रहता है यहाँ से ए भी सेम ही रहेगा एफ फोर हो जाएगा ए भी सेम ही फिर यहाँ से ए भी सेम ही और फिर यहाँ से एफ फाइव हो जाएगा ए बी सेम ही फिर इसका एस एम का ए भी सेम ही फोर एफ सिक्स हो जाएगा एफ सेम ही और फिर इसका आ जाएगा इस तरह से फोर एफ सेवन ए भी सेम ही फिर इसका भी आ जाएगा सेम ही फिर फोर एफ सेवन और यहाँ से फोर एफ सेवन ही होता है इसका ठीक है एट नहीं होता है और यहाँ से क्या आ जाता है इसका फाइव डी वन है एंड सिक्स एस टू होता है ठीक है जी डी तो इसलिए थोड़ा रिसेप्शनल ही है फिर टी का भी सेम ही होता है फोर एस एट नहीं बल्कि नाइन होता है क्योंकि यहाँ से फाइव डी जीरो सबका हो रहा है तो फाइव डी जीरो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए आएगा एट और ये ओवर से एक नंबर बढ़ गया तो एक नाइन हो जाएगा ठीक है फिर सिक्स एस टू फिर उसी तरह से इसमें भी सेम ही रहता है और फिर फोर एफ टेन आ जाएगा फिर फाइव डी जीरो सिक्स एस टू फिर इसके लिए भी सेम ही रहता है फिर फोर एफ इलेवन आ जाएगा और सब सेम रहेगा फिर इसके लिए सेम ही रहता है फोर एफ ट्वेल्व आ जाएगा और सेम है वो फिर इसके लिए भी सेम ही है सिर्फ फोर ए एफ थर्टीन आ जाएगा सेम इसके लिए भी सेम है फोर एफ फोरटीन आएगा और सेम इसके लिए भी सेम ही है फोर एफ फोर्टीन आएगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एभव आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया नंबर बढ़ गया और फिर सिक्स एस टू ये होता है मेरा एफ ब्लॉक एलिमेंट का लेंथन वाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब देख लेते हैं एस्टन वाइड में क्या था एस्टन वाइड में देखिए ये ब... थोड़ा देख लेते हैं एस्टन वाइड में क्या होता है पता है सेवन सेवन पीरियड होता है मेरा अब सेवन पीरियड में होता क्या चीज थापू होता है थापू नापू टी एच पी ए यू एन पी पी यू ए एम सी एम बाकी साफ है इस एफ मैडम नो

फिर उसी तरह से इसका भी सेमी चलता है और फिर फाइव या टू होता है फिर यहाँ से मेरा सिक्स डी वन हो जाता है क्योंकि एक इसके साथ बढ़ गया और फिर सेवन एस टू होता है ठीक है और यहाँ से फिर इसका क्या हो गया कि पी यू का फिर सेमी होता है फिर एफ थ्री होता है और फिर यहाँ से सेमी चलता है फिर इसका भी सेमी f एफ एस एफ फोर चलता है सेमी है और इसका फिर क्या चलता है कि एस एफ फाइव छोड़ के सिक्स आ जाता है जिसके कारण सिक्स डी ज़ीरो हो जाता है और फिर इसका क्या होता है सेम ही है एस एफ सेवन होता है जो कि सिक्स डी जीरो सेवन अब देखिए इसका सी एम इस पी एम हो गया सी एम सी एम का फिर यहाँ से सेम ही चलता है इसका क्या होता है एफ सेवन और यहाँ से सी डी वन होता है और फिर जीरो थोड़ा इसलिए हट के है, और एक यहाँ थोड़ा हो गया ठीक है सिक्स डी वन और फिर इसके बाद क्या था कि सेम ही रहता है फिर एफ सेवन और यहाँ से एट आ जाता है जिसके कारण सिक्स डी इसका एट नहीं सॉरी नाइन आता है और जीरो हो जाता है फिर सेम चलता है ठीक है फिर यहाँ से सेम चलता है एफ़ टेन होता है एस एफ टेन और फिर सिक्स डी जीरो फिर सेम उसी तरह से इसका फिर चलता है एफ एलेवन और सेम फिर उसी तरह से सब सेम एफ खाली यहाँ ट्वेल्व होगा और सिक्स डी जीरो और लास्ट में सब सेवन एस टू है ठीक है सब ऑल इज सेवन एस टू अब यहाँ से फिर इसी तरह से एफ थर्टीन चलेगा फिर यहाँ से एफ फोर्टीन चलेगा अब फोर्टीन तो भर गया तभी एल आर में क्या होगा कि एफ फोर्टीन और डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा एक क्योंकि डी का जीरो से वन ही तक जाना था तो वन और फिर सेवन एस टू हो जाएगा लास्ट खत्म ये हो गया एस्टन वाइड पूरा देखिए पीरियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने देख लिया इसको इसलिए बता रहे ना कि आरएन इस तरह से चलता है और कौन से एक्सेप्शनली होता है ब्लॉक में वन टू और यहाँ से वो ला रहा है ठीक है और इसको इसलिए हम बताएं कि एग्जाम में इसी तरह से आपको पूछेगा ये लास्ट का दे देगा इस तरह से ऑप्शन और पी एच का बोल देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन है तो या दे देगा दे इतना दे देगा कोई और एक आगे एग्जाम्पल इस समय घुसा देगा और ऑप्शन दे देगा दे चार गो तो उसमें जानिएगा कि क्या होता है तो उसको इजिली से आप वहाँ से कर सकते हैं ठीक है और नहीं तो आपको एटोमिक नंबर पता रहेगा तो इजली से आप वो फार्मूला एस एस पी एस डी पी एस याफ डी पी एस करके दो दो टाइम्स करके लिख के आराम से वहाँ लिख देंगे ठीक है तो इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ तक तो पूरा मैंने क्लियर कर दिया इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर समझ कहीं ना आया हो तो कमेंट करिए वहाँ से हम क्लियर कर देंगे ठीक है तो मिलते हैं इस वीडियो के साथ जय जय भारत टेक केयर